एक मेरा सेगमेंट है 90s की यादें। तो जब ओ बाप रे, मैं ये मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, तो 90s हमारे जहन में इतना बसा हुआ है कि आज भी रेडियो स्टेशन पर, फिल्मी गानों पर जहाँ भी बात होती है 90s के गाने छाते हैं। और उसी दौरान आपने अपना डेब्यू किया था फाल्गुनी पाठक के वीडियो से। सो या दैट सॉन्ग इज सो आइकॉनिक एंड आई स्टिल, मतलब आपको देखते ही मैंने कहा सडनली वो लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। तो हाउ डिड दैट सॉन्ग हैपन? आई वांट यू टेक अस टू द मेमोरी लेन एंड टेल अस कि वो कैसे मिला वो गाना, एंड व्हाट काइंड ऑफ एड्यूलेशन। आई रिमेम्बर गर्ल्स वाज स्वूनिंग ओवर यू, आई रिमेम्बर इट वेरी ये वेल। जब द फनी थिंग इज ऑलवेज आई केम टू नो अबाउट द गर्ल्स हु वर स्वूनिंग नाउ, आई डिडंट कम टू नो दैट टाइम। जब व्हेन जरूरत यू आर थी तब मैरिड नाउ वो बच्चा हो गया, सब हो गया, अब सुनी क्या क्या, मतलब कोई जरूरत नहीं। सो आई तो एक्चुअली जब इट्स अ वेरी फनी स्टोरी कि कैसे यू नो मैं एक्चुअली आई लाइक टू वन गर्ल एंड आई वाज शी वाज आई वाज फॉलोइंग हर अराउंड, की बात कर रहा था ये। तो उसने कहा कि चल यार हम मैं जा रही हूँ एक ट्रायल के लिए, कपड़ों का ट्रायल के लिए, तो टू दिस कंपनी हु इज आई एम डूइंग अ म्यूजिक वीडियो। तो मैंने बोला हाँ चलो चलो, और साथ में चलेंगे, बातें करेंगे, कुछ करेंगे, ये वो। तो मुझे तो लड़की में इंटरेस्ट था, मेरे को कोई पता भी नहीं था म्यूजिक वीडियो होता। तो मैं गया वहां पर और मैं बैठा था कोने में कि अभी इसका ट्रायल खत्म होगा, ये मैडम बाहर आएंगे, हम कॉफी पीने जाएंगे। तो इसने इसका हो गया, वीक वीक लगा के सब कपड़ों को ट्राई करके सब हो गया, और बाहर आई आसना उनके यहाँ हो गया सब जो नॉर्मल होता है। और वहां पर कास्टिंग डायरेक्टर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि व्हाट्स योर नेम। तो मैंने बोला विवाद, सर म्यूजिक वीडियो करोगे? मैंने बोला व्हाट इज दैट? तो मैंने बोला, उसने कहा कि गाना होता है, फिर उसमें हम फिल्म जैसे एक निभाते, फिल्मों में आप देखते हैं तो उसका एक गाना बनता। तो मैंने कहा ठीक है, हम कितने पैसे दो? उसने कहा हमें 4,000 रुपये दूंगा। बोला 4,000? बाप रे, डन डन, कहाँ साइन करता है? चलो ठीक है, बिकॉज वो टाइम पे तो हम मस्ती के लिए सब क्या करते थे, हमें पता ही नहीं था पैसे क्या चीज होता है, 1,000 2,000 रुपये में। तो उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट दिया, उन्होंने साइन किया, मुझे पता भी नहीं था गाना क्या है। उसने मेरे को समझाने की कोशिश की, हाँ, जो भी है वो ठीक है, देख लेंगे। एंड राधिका स्ट्रिक्ट, और हम ज्यादातर हम मस्ती में लगे रहते। तो हमें तो फिर हम वी डिड द म्यूजिक वीडियो, इट रिलीज बहुत टाइम के बाद रिलीज हुआ। इनफैक्ट इट रिलीज आई थिंक अबाउट 3-4 मंथ्स आफ्टर द थिंग, एंड हम तो भूल गए थे कि हमने किया ये वो। तो सडनली कॉलेज और सब में ना तो बहुत हलचल मच गई कि ये गाना है, दीवान ने क्या फेमस हो गया मैं ओवरनाइट। तो मुझे तो यार क्या इतना क्या है गाने। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको इंस्टाग्राम का एक स्नैपशॉट भेजूंगा, मेरे अभी भी लोग मुझे पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी। अच्छा वो इज दैट योर वाइफ ओनली, यू गेट मैरिड टू? आई सेड नहीं यार, माय वाइफ इज नॉट इनटू दिस। जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट सबके म्यूजिक, तो दैट्स जस्ट हाउ लाइफ इज, आपको पता नहीं होता। जैसे इनफैक्ट ये रोल भी वैसे ही कुछ मुझे मिला, इट्स जस्ट लाइक दैट द स्टोरी इज रियली फन। So that's how that's your 90s thing, how we were at that time, कि हम इतने हर चीज को हल्के में लेते थे आराम से, यू नो सीरियसली कुछ लिया नहीं जाता था। आज की तारीख में अगर वही सेम चीज होती तो लोग हजार झज झज के जाते हैं वहां पर, ऑफिस में बराबर बैठते हैं, पूछ द कास्टिंग डायरेक्टर यार मैं फोटोग्राफ, सब बराबर पहले से हो जाता। अब तो हम पहले तो हम सोचते भी नहीं थे। तो कहते हैं एक्सीडेंटली हो तो चीजें अच्छी होती हैं, दैट्स व्हाई द सॉन्ग इज एवरग्रीन नाउ। चाहे वो बजे चाहे लोग उसे देखें आज भी, तो इट लुक्स सो फ्रेश एंड नाइस। आई इट्स अ थिंक दैट ब्यूटीफुल दैट्स व्हाई, ब्यूटीफुल सॉन्ग। यस दैट्स द इनोसेंस इन उसके जो गाने की जो एक प्योरिटी है, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। तो थैंक यू सो मच विमान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऑलवेज अ प्लेजर टू कनेक्ट विद यू। आई थिंक नाउ थैंक यू, द टाइम अगेन दिस रोल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रॉमिसिंग, एंड आई होप यू शाइन अगेन। होपफुली वी गॉट आई गॉट अ कपल ऑफ थिंग्स रिलीजिंग, वेटिंग फॉर रिलीज, जब भी लॉकडाउन एंड वी आर होपिंग दैट एवरीथिंग सब सब ठीक रहे, सब सेफ रहे, सब की वैक्सीन।